हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ब्यूटी केयर। मैं हूँ पूजा। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो आज मैं एक अमेजिंग फेस पैक लेके आई हूँ। सो बहुत ही अच्छा ये फेस पैक, अगर आपकी स्किन डल हो गई है, ड्राई हो गई है, डैमेज हो गई है, या आपकी स्किन पे किसी तरह की दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, झाइयाँ हो गई हैं, तो ये सब का इलाज है। सो फ्रेंड, आज का फेस पैक एकदम यूनिक है। आपको बहुत ही यूट्यूब पर कम देखने को मिलेंगे कि इस तरह का फेस पैक नहीं किसी ने बताया है। सो फेस पैक मैं यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ही फ़र्क नज़र आया, मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये फेस पैक जो है वो एप्पल से बनाया हुआ है, और आपको पता ही है कि ये फेस पैक, चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए मेरे चैनल का, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन खिली खिली सी हो, तो ये फेस पैक आप अप्लाई करिए और आपका रिजल्ट ऑसम मिलने वाला है। सो ये मैं गारंटी लेती हूँ क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक को बनाते कैसे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि आपको लगाते कैसे। सो फ्रेंड, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स, जो मेरा पहला इंग्रेडिएंट है वो एप्पल, एप्पल इसका मेन इंग्रेडिएंट है। हमें एप्पल से ही बनाना है अपना फेस पैक। सो आज का फेस पैक बहुत ही अच्छा होने वाला, देख सकते हैं मैंने इतना हाफ एप्पल ले लिया है। यहाँ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्योंकि एप्पल काटने के बाद ही ब्लैक पड़ जाता है। थोड़ी देर में मैंने इसको कट करके ले लिया है, इसको वॉश कर लिया है, और हमें इसको एक्सरे ग्राइंडर से इसको हमें घिसना है। तो देख सकते हैं मैं इसको घिस के इसका हमको जूस निकालना है। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने घिस लिया है, और इसको मैंने अब छान देना है। छान के इसका मैं जूस निकालूंगी, देख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका जूस का ही ज़रूरत है फ्रेंड्स। सो देख सकते हैं मैं इसका जूस ऐसे निकाल लूंगी, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, हमें जूस से ही बनाना है अपना फेस पैक फ्रेंड्स। बस इसका जूस हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने एप्पल का जूस निकाल लिया है इसको घिस के, और इसमें हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है हमारा मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी देख सकते हैं मैंने हेल्प गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी मंगाया है, इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है, और दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही, और तीसरा जो है हमारा हनी। हनी देख सकते हैं आप, कोई भी ब्रांड के हनी ले सकते हैं, हनी बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। सो हमें अपने पसंद के हिसाब से इसमें मैं हनी डालूंगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको छोटा सा चम्मच से ही हनी डाल। सो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे मिक्स कर देना है। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मेरा फेस पैक बन गया है। इसको बना के तुरंत अप्लाई नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको बना के हमें कम से कम तो 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है, ताकि ये फूल जाए। और ये सब क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आपको पता है फूलता है, फूलने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट इसका नहीं बनाना है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बाद में फूलेगा। 5 मिनट इसको रख दीजिए, रखने के बाद आपको अप्लाई करना है। सो चलिए देखते हैं इसको अप्लाई करके, मैं बताती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा पैक तैयार हो गया है, पैक बन के तैयार हो गया, फूल भी गया है, और मैंने अपने स्किन को पूरा क्लीन कर लिया है। मैंने अपने स्किन पे कोई भी मेकअप नहीं लगाया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाया है अपनी स्किन पर। उसके बाद हमें इसको फेस पैक को अप्लाई करना है। मैंने इसमें एप्पल डाला है, एप्पल का जूस। एप्पल का जूस, एप्पल में विटामिन ए भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एप्पल आपके स्किन के रिंकल्स हटाने के लिए और झुर्रियाँ पड़ने से भी रोकता है। और इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी डाला, जो आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी डेड स्किन को लेयर को निकालता है, और आपकी स्किन को निखार देता है। और इसमें मैंने हनी डाला, हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नमी देता है, सॉफ्ट शाइनिंग बनाता है, क्योंकि हनी में मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद है आपके स्किन के लिए फ्रेंड्स। सो ये पैक मैंने ऐसे ही बनाया है, देख सकते हैं इसके फ़ायदे बहुत है आपके स्किन पे। लगाने के बाद एक बार में एकदम इतना अच्छा निखार आएगा, और फेस्टिवल आने वाला है तो ये पैक आप लगा सकते हैं। कम से कम इसको वीक में दो बार लगाइए ताकि आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाए। मैंने इसकी पूरी लेयर लगा ली है अपने स्किन पर, देख सकते हैं पूरी लेयर, इसे पतला पतला लेयर लगाना है। ऐसे भी ऑटोमेटिक थोड़े देर में ही सूख जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको 20 मिनट आधा घंटा आपको रखना पड़ेगा, ये 10 से 15 मिनट में सूख जाएगा। और देख सकते हैं मैंने पूरा फेस कवर कर लिया है इसको। फेस कवर करने के बाद पूरा जहाँ जहाँ भी खाली है मैं वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा करके उंगली से अपने मदद से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप पूरे फेस कवर कर लीजिए, ये फेस पैक बहुत ही अमेजिंग है, मुझे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा मिला रिजल्ट, इसलिए मैंने आपको देख सकते कवर हो गया। सो चलिए देखते हैं इसको सूखने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है इसका। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा फेस पैक पूरा सूख गया है, ड्राई हो गया है, और मैं इसको धो के आके दिखाती हूँ, पूरा एकदम ड्राई हो गया है। इसको धो के देखिए, धोने के बाद ओ माय गॉड मेरी स्किन कितनी सुंदर और खिली खिली दिख रही है, आप देख सकते हैं कितनी क्लीन हो गई है, और थोड़ा सा निखार भी आ गया है चेहरा पर। तो फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई करिए कम से कम वीक में दो बार, देख सकते हैं मेरी स्किन कैसी एकदम सॉफ्ट शाइनिंग दिख रही है मेरे स्किन पर एक बार में। सो आप लगाइए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। आप इस पैक को कम से कम तो धोएगा ये, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है, और ये आपको पार्लर जाना भी की ज़रूरत नहीं है, और घर में ही आप अपने स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटिंग बना सकते हैं। देख सकते हैं मैं अपनी स्किन फुल दिखा रही हूँ वीडियो में, और ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा लाइट करके दिखाया है, आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर कैसा ग्लो दिख रहा है एक बार में। चलिए मिलते हैं, बाय। सो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।